धीरज जंडूरिया ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। और चल रहे हैं आज प्याज के पकौड़ी बनाने। आप लोग को हम दिखा रहे हैं प्याज के पकौड़ी कैसे बनाते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ये प्याज बारीक काट लिए हैं और ये मिर्चा है, चल रही, इसको भी बारीक काटेंगे और बेसन में मिसेंगे। तो देखिए इसी तरह पतला पतला काटते हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं जो कैसे कैसे हम बनाते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग ये देखिए प्याज ऐसे, मिर्चा ऐसे बारीक काट लेंगे चाकू से फटफट, और काट करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि आजकल गर्मी से मिर्चा रेड हो जा रहा है। तो मेरे पास भी मिर्चा हरा ही है, ये रेड हो गया है गर्मी से। तो इसको बारीक काट लेंगे। इसको काट लिए हम बारीक क्योंकि आज रात में दाल चावल और पकौड़ी का ही प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि ये भी बोले हैं जो गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, दाल ही चावल और सब्जी ही बना दो, हम लोग खा लिया जाएगा। तो हम सोचे हैं जो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हम बना देते हैं प्याजी ही, क्योंकि बाबू प्याजी बहुत पसंद से खाता है, ऋतिक भी खाता है और छोटका भी खाता है। तो ऋतिक तो यहाँ है नहीं, लेकिन जहाँ है तहाँ वो भी खा रहा है, आज खाया है, फ़ोन पर हमको बता रहा था। इसमें अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि प्याज में ज़्यादा नमक नहीं लगता है प्याजी बनाने में, क्योंकि थोड़ा भी ज़्यादा नमक पड़ जाएगा तो स्वाद खराब हो जाता है। ये हल्दी है, पिसा हुआ ही मैं हल्दी यूज करते हैं हम, और इसमें मंगराइल और जवाइन मिक्स करेंगे। ये मंगराइल है, चार गोटा ज़्यादा मंगराइल नहीं यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादा मंगराइल डालने पर तीखा लगता है। ये जवाइन है, इतना ही जवाइन यूज करेंगे, दिख रहा है, इससे स्वाद चेंज हो जाता है। और अंदाज से जो जितना प्याज है उसे अनुसार से इसमें बेसन मिक्स कर लेना चाहिए, जो अच्छा से मिसा जाए इसमें और गोला गोला पकौड़ी बन जाए उसी अनुसार से। ये देखिए ये अच्छा से मिक्स हो गया, दिख रहा है अच्छा मिक्स हो गया। और इसको ऐसे गोला गोला कर लेंगे, इसी से गोला गोला कर लेंगे। आप लोग को दिखा रहे हैं जो कैसे कैसे हम पकौड़ी बना के निकाल रहे हैं। आप लोग देखिए हम पकौड़ी, तेल गरम हो गई है इधर, और पकौड़ी डाल रहे हैं क्योंकि अब साइज जैसा भी बनाइए आप लोग, हम तो बड़ा बड़ा थोड़ा बना रहे हैं क्योंकि भूख भी लगी हुई है और रात ज़्यादा हो गया है, तो हम साइज बड़े बड़े बना रहे हैं। आप लोग को दिख रहा है, देखिए ऐसे ही आपको हम सारा दिखा रहे हैं, पूरा अच्छा से भी बन जा रहा है। देखिए इधर ऐसा ही मिसना चाहिए, ऐसा ही मिसना चाहिए, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। रची है जिंदगी जो प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रवचन में गाना हो रहा है, बगल में प्रवचन होता है, सावन भर शिव मंदिर है बगल में, वहाँ पर सावन भर रोज प्रवचन होता है, 9 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक ले होता है, और जिसको टाइम है वो जाके वहाँ पर प्रवचन सुनता है। हम लोग घर में ही सुन लेते हैं आवाज़, आप लोग भी सुनते होंगे क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सुनाई दे रहा है। स्टार्ट है प्रवचन, क्योंकि हमको भी सब कोई बगल का लोग बोलता है जाने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं जाते हैं। ऐसे भी हमको रात में जगना अच्छा नहीं लगता है, रात में आदमी को आराम करना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा पकौड़ी बन गया है,
और अच्छा लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा लो। बाय बाय दोस्तों।